टेस्ट ओवर। 15 और कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई, ओवर। साकी नगर में दो ग्रुप्स के बीच झड़प में कुछ गाड़ियों को भी जलाया गया है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, ओवर ओवर। आसपास के सभी इलाकों में सेक्शन 144 इन इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, ओवर ओवर। आज ही के दिन वॉलेट चोरी होना था। एक तो शहर में दंगों की वजह से ना कोई बस है ना ऑटो, और कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा। और ऊपर से ये मोबाइल फोन और इनके महान नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कहीं जाना है क्या आपको? किसी का इंतजार कर रहे हैं? आइए मैं छोड़ देता हूं आपको। शहर के हालात खराब हैं, इस वक्त आपको यहां से कोई सवारी नहीं मिलेगी। आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। आई विल मैनेज। अरे भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको छोड़ दूंगा। आइए ना, आइए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, चलिए। अरे बैठिए, आइए आइए। बैठिए। बैठ गए ना ठीक से? जी हाँ। चले? जी। हाँ भाई साहब, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? श्रीनिवासपुरी। अच्छा, शहर में जरा सा कुछ हो जाए सबसे पहले मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? एक मिनट, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या निकाल रहे हैं आप जेब? एक फोन करना है। अरे यार, इस मोबाइल को भी आज ही धोखा देना था। क्या क्या बोल रहे हैं आप? जनाब मुझे एक फोन करना है। तो मेरे फोन तो की कर लीजिए ना फोन। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। लाइए अपना फोन दीजिए। हाँ, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं एक फोन करना चाहता हूं, आप अपना फोन दीजिए ना। ये लीजिए। अरे भाई साहब सुनिए, इसमें नंबर उम्र कैसे मिलाते हैं? लाइए इधर मुझे दीजिए। हाँ बोलिए, क्या नंबर है? 9874-34786। जरा धीरे से और आराम से बोलिए। जी जी, 9-8-7-1-4-7-1-4-3-4-3-4-7-8-6-7-8-6। जी हाँ, लग गई कॉल। ये लीजिए। दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम मुजीब भाई, मैं करीम बोल रहा हूँ। करीम। अरे हाँ, कहाँ हो तुम? शहर के हालात वैसे ही खराब हैं, बाहर इतनी अफरा-तफरी है और तुम अपने घर नहीं पहुँचे। हम लोग कब से परेशान हैं। मुझे भाई वो क्या है ना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब मैं घर के रास्ते में ही हूँ। अच्छा, संभाल के एहतियात से आना, ठीक है? मुझे भाई अब हसीना को बता दीजिएगा मैं घर पहुँच रहा हूँ। अच्छा जल्दी आना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लीजिए, बहुत शुक्रिया जनाब। कौन सा रास्ता है? ये शॉर्टकट है भाई साहब। जल्दी जल्दी कीजिए ना, ये लोग। अरे
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो पता नहीं। शुक्रिया की कोई बात नहीं है जनाब। मेरी अम्मी कहा करती थी कि अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले का करम आप पर हमेशा बना रहे तो उसके बंदों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। ले जाओ इसे, डालो अंदर। ऑल पेट्रोलिंग यूनिट्स अलर्ट, ऑल पेट्रोलिंग यूनिट्स अलर्ट। सरहद पार से कुछ लोगों के शहर में घुसने की इन्फॉर्मेशन है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, ओवर। आतंकी हमलों की संभावना, ओवर। आतंकी हमलों की संभावना, ऑल यूनिट्स अलर्ट, ऑल यूनिट्स अलर्ट, ओवर एंड आउट। उतर उतर, नीचे उतर। ला भाई लाइसेंस। अरे गाड़ी के पेपर दिखाओ। सर जी, इनके पास लाइसेंस गाड़ी के पेपर्स कुछ ना है। चलो नाम बताओ। करीमुल्ला साहब। कोई आईडी है ना? मतलब थी सर, आज हुआ ये कि हमारा वॉलेट चोरी हो गया तो इसलिए। नाम बता। सत्या, सत्या प्रकाश शर्मा। नाम अच्छा चुना है जी, लेकिन गलत आदमी चुना है झूठ बोलने के लिए। अपनी टोपी मुझे मत पहना। सच सच बता, नाम क्या है, कहां से आ रहे हो तुम लोग? सर देखिए, हम सच बोल रहे हैं, हमारा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है और हम इसे नहीं जानते। ये अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला, लिफ्ट दी है इसने हमें और ये टोपी भी इसी की है। अच्छा जी, तो तुम लोग साथ में नहीं हो? नहीं, आप बोलिए ना सर को कि हम साथ में नहीं है, आपने मुझे लिफ्ट दी घर जाने के लिए और ये टोपी आपकी है। बोलिए, आप चुप क्यों खड़े भाई साहब, बोलिए। कहानी बनाना बंद करो। सर मुझे पता नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे? आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना सर को कि आप साथ में नहीं है मेरे। अरे आप बोलिए ना कि आपने मुझे लिफ्ट दी और ये टोपी। क्या कर रहे है? सीधे खड़े रहो जी। बहुत हो गया तुम लोग का ये ड्रामा। यादव जी सर, गाड़ी में डालो इन लोगों को। अरे चल भाई, बात तो सुनिए आप। चल मोटरसाइकिल, चले आ इसकी मोटरसाइकिल। देखो सीधे सीधे सच बता दो, वरना सर ने अगर अपने तरीके से पूछा ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। कुछ बताया इन लोगों ने? देखिए सर, मैंने आपसे कहा ना, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरा वॉलेट खो गया, और सबसे बड़ी गलती इस अनजान इंसान से मैंने लिफ्ट ले ली। अरे मैं एक फोन करने दीजिए मुझे, मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं सर कि मैं सच बोल रहा हूं। यादव इस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। अरे पर, अरे मुझे एक मिनट सर, सुनिए सर। कवाली सर, शहर में कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण, पुलिस ने जनता से अपील की है कि अफवाह। सलाम वालेकुम सर, कोई मुसलमान औरत बोल रही है, बात करो। कौन बोल रहा है? तुमने फोन किया है ना, तो तुम बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। सीधे से अपना नाम बताओ। मैं जा नहीं बताती, नहीं बताती तुझे, और अब अगर तूने दोबारा फोन किया ना तो फोन में घुस के मारूंगी तुझे। सर कोई पागल औरत बोल रही है, फोन काट दिया। इस नंबर की कॉल डिटेल्स मंगवाओ। सच सच बताओ किसका नंबर है ये, कौन हो तुम लोग, वरना आए हो पुलिस वैन में बैठकर, जाओगे एम्बुलेंस में लेट कर। सर मैंने आपसे बोला ना, वो नंबर मेरा नहीं है और ना ही ये टोपी मेरी है। वो नंबर इसका है, इन्होंने डायल किया था मेरे फोन से। मैं आपको अपना नंबर देता हूं, आप प्लीज डायल कर दीजिए। प्लीज सर, 9811112268। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। स्विच ऑफ है सर। इस नंबर की भी कॉल डिटेल्स मंगवाओ। सर एक दूसरा नंबर है, उसे डायल कर दीजिए। बस बहुत हो गया। साहब साहब सुनिए ना, एक फोन मैं कर लूं क्या? नंबर
हाँ जी 9871434786। ये ले। और शांति बनाए रखे, दो गुटों के बीच मुठभेड़ के भी समाचार है इन इलाकों में। तेरा दिमाग खराब है, बार बार फोन करके मुझे तंग क्यों कर रहा है तू? हसीना, हसीना मैं बोल रहा हूँ। अजी आप हैं कहाँ? अरे मैं और मुझे भाई कितने परेशान थे आपके लिए, वो तो आपका इंतजार करते करते अब भी सोने के लिए गए हैं। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ हसीना। पुलिस स्टेशन? हाँ। सब खैरियत? हाँ, लेकिन ये लोग लाइसेंस शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। अरे लाइसेंस नहीं है तो क्या जेल में बंद कर देंगे? देखिए हमारी पहुंचना बहुत ऊपर तक। चिल्लाओ मत, चुपचाप खड़ी रहो। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं बस कुछ देर पहले इससे मिला हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं सर। ये आदमी कौन है और आप यहां कैसे फंस गए? शरीफ आदमी है, मैंने मदद की, ये लोग जबरदस्ती हमें यहां ले आए, अब शनाख्त कार्ड और लाइसेंस मांग रहे। hey, ये खुसर पुसर बंद करो भाई। हा? भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप दोनों को यहां से मैं बाहर निकालूंगी। तो तुम तो इसको भी नहीं जानते होगे? नहीं सर। कौन हो तुम? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं इस औरत को पहली बार देख रहा हूं, मैं नहीं जानता इसे कौन ही है। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं बस थोड़ी देर पहले इस आदमी को मिला हूं। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसके साथ नहीं हूं सर? बस एक और शब्द नहीं। देखो भाई, अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो यहां से निकल सकते हैं इंशाल्लाह। सर जी मुझे तो असल गैंग लीडर यही लग रहा है, दोनों उसको भाई भाई बुला रहे हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। ये कह रही है ना, बचा लेंगे। जब तक ये सच नहीं बोलते इन्हें हवालात में रखो। हाँ? सर लेकिन अब अगर जरूरत पड़े तो इनकी जम के खातिरदारी करना। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, आप ऐसे कैसे चल रहे हो? आप ऐसे चल रहे हो? अरे आप सुनिए, सर साहब ने बोल दिया। सर ये प्लस केस की फाइल। सत्य प्रकाश जी आप यहाँ पर सब ठीक है ना? अरे संतोष जी आप, थैंक गॉड। अरे कुछ भी ठीक नहीं है संतोष भाई, ये आपका डिपार्टमेंट पता नहीं कोई गलत फहमी होगी, ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं मुझे। तुम जानते हो उनको? जी साहब। कैसे? हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मेरे दोस्त के जीजा हैं, बहुत शरीफ आदमी है। ठीक, तुम जा सकते हो। सर तुम इधर आओ। ओ जा भाई, साहब बुला रहे हैं। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कौन है तू? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मैं करीमुल्ला बाजू की गली में रहता हूं।
मिल्लत स्कूल के पीछे। ये कौन है? ये भाई है मेरा। हम लोग घर जा रहे थे जनाब, घर जा रहे थे जी। जाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तुम गए नहीं अभी तक? सर मेरी आपसे एक विनती है, आप प्लीज इसे भी जाने दीजिए। जाने दे, किस खुशी में? देखो मुझे अपना काम करने दो, और जब तक यह पता नहीं चल जाता कि यह सच बोल रहा है, यह कहीं नहीं जाएगा। साबित तो इसने कर दिया है सर कि एक सच्चा इंसान है। जिस इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने ही लोगों से मेरी जान बचाई, वो गलत कैसे हो सकता है? गलती मुझसे हुई है, जो मैं इसके कपड़ों में इसकी इंसानियत तलाश कर रहा था, मगर इसने साबित कर दिया है सर कि इंसानियत लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करनी चाहिए। मैं इसीलिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा सर। सर मैं बार बार कहता रहा कि मैं इनके साथ नहीं हूं, हम लोग साथ नहीं हैं, मगर सच तो यह है कि हम लोग अलग भी नहीं हैं। और देखा जाए तो हम में से कोई भी अलग नहीं है सर, हम सब साथ हैं, सब एक हैं। और अगर नहीं है तो हमें अपने सारे मतभेद भुलाकर एक होना पड़ेगा सर। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इसे भी जाने दीजिए। तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच सर। चलो शुक्रिया भाई साहब। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आप ही ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा आप पे बनी रहे तो उसके बनाए हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। बस वही कर रहा हूं, चलता हूं। सुनिए ना भाई साहब। जी आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। क्या शहर के हालात खराब हैं और इस वक्त यहां से सवारी मिलना भी मुश्किल है।